आज हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले बताया गया है मीनिंग, उसके बाद हमें दिया गया है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद फिर नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, फिर इम्पोर्टेंस बताया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमें थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट बताया गया, कौन कौन से थॉट्स थे, जैसे कि पहले क्लासिकल थॉट आया जिसको क्लासिकल थियरी कह सकते हैं, फिर न्यू क्लासिकल थॉट आया जिसको न्यू क्लासिकल थियरी भी कहा जाता है, फिर बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स है, बिहेवियर रिलेटेड थियरीज आई, फिर लास्ट लास्ट कौन सा है, मॉडर्न थॉट्स है। फिर नेक्स्ट हमें बताया गया फ्रेडरिक टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर फ्रेडरिक टेलर हमारे एक मैनेजमेंट गुरु थे जिनके प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया, थोड़ा ब्रीफ में दिया गया पहले ब्रीफ में, फिर से उसमें क्या ब्रीफ में क्या क्या कवर किया गया, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल कौन कौन से, टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वेज रेट एक्सेट्रा, फिर लास्ट में दिया हेल्दी फ्यूल्स के मैनेजमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। फिर पीटर एफ ड्रकर वो ये भी हमारे एक मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट के फील्ड में उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो सेंचुरी से मतलब बहुत पहले से ही चला आ रहा है। हम देख सकते हैं न्यू इंडिया रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, वो लोग भी वॉर मैनेजमेंट, प्रॉपर वॉर पॉलिसी बनाते थे, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिस्ट हुए हैं, ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई किया है अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, या अपने अपने अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इवेल्युएट किया है, उनको डिस्क्राइब किया है, ऐसा कह सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बताया गया वेरियस मैनेजमेंट गुरुज फ्रॉम फ्रेडरिक टेलर टू हेनरी फ्योर, गिलब्रेथ, मैक्स बीवर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर ड्रकर एंड सी के प्रहलाद प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रेंडरिंग द वेरियस प्रिंसिपल्स। फिर जो भी प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छे से डिस्क्राइब करके फिर कौन कौन कुछ मैनेजमेंट गुरुज जो थे हमारे उन्होंने लिखा है, जैसे कि कुछ नाम दिए गए फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योर, चेस्टर बर्नार्ड, सी के प्रहलाद, ये सब कौन थे मैनेजमेंट गुरुज थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एज पर इरा उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया, हर्नोल्ड कुंज हैज हेल्ड आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज जंगल, मैनेजमेंट को एक जंगल की तरह डिस्क्राइब किया है, जंगल की आइडियोलॉजी के हिसाब से हर्नोल्ड कुंज ने डिस्क्राइब किया है मैनेजमेंट को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें दी गई है मीनिंग, फिर हमें बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि हमारी कंपनी के मैनेजर्स हैं उनको गाइड करने के लिए, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्री डिसाइडेड गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे प्री डिसाइडेड गोल्स या ऑब्जेक्टिव है उनको प्रॉपरली हम अचीव कर पाएंगे। फिर हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई, इन फैक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रूल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये रूल्स नहीं है, इट इज ओनली द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द अजम्पशंस, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इसको चाहे इन फैक्ट से लिख सकते हैं या इट इज ओनली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओनली द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ अजम्पशंस, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमें क्या बताया, मैनेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, आर्ट एंड साइंस का। एज अ साइंस नेचुरल प्रिंसिपल्स इन इट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड एज द प्योर साइंस बट दे आर फ्लेक्सिबल, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, फिर एज अ साइंस मतलब साइंस कैसे उसको डिस्क्राइब किया गया, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब ऐसे नहीं है कि आप एक जो प्रिंसिपल दिया गया है आपको वही प्रिंसिपल फॉलो ही करना है कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कोई पहले सिचुएशन थी कि हमारी कंपनी बूम पे चल रही है तो हम दूसरा प्रिंसिपल फॉलो करते थे, लेकिन अब सिचुएशन है कि कंपनी रिसेशन पे आ गई है तो हम क्या करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, दस मेकिंग रिक्वायर्ड चेंज इन देयर स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल,
अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि एडिशनल प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर लिया जाए, जो हमारे पुराने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कुछ नए प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर दिया जाए, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर हमें आगे बताया गया एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज कुड बी इंक्रीज थ्रू द वेरियस एनकरेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो भी कैपेबिलिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उनको इंकरेज कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया टू कंसिडर दिस सर्विस ऑफ इयर्स टू मेक द डिसीजन अबाउट द प्रमोशन ऑफ एनी एम्प्लॉई और गेट्स प्रमोशन बाय कंसिडरिंग कैपेबिलिटी इन अदर यूनिट। फिर बताया जा रहा है जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो उसमें पर्टिकुलर एक रूल होता है कि हमारे एम्प्लॉयज को अगर इंकरेज करना है तो उनको क्या दे सकते हैं, प्रमोशन देके उनको इंकरेज कर सकते हैं, उनका इंथ्यूज़म बढ़ा सकते हैं। वही एग्जाम्पल हमें समझाया गया है कि अगर कोई हमारा पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, काफी इयर्स से हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, ऑनेस्टली वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है और उसकी कैपेबिलिटी भी अच्छी हो गई है, मोस्ट एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको प्रमोशन देके उसकी पोस्ट हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमें फिर ये पैराग्राफ आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है इसका, तो हम इसको रहने दे रहे हैं लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से हम इसको एक बार समझ गया है। तो हमें लास्ट पैराग्राफ में हमें सिंपल सा बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा टारगेट है उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मेथड से टेक्निक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मेथड से टेक्निक को सेट करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा रिजिडिटी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम अपने प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा डिफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेचर के बारे में बताया गया है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन, दीज प्रिंसिपल्स गाइडलाइन परफॉर्म द टास्क। फिर बताया गया जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका उसका नेचर कैसा है, रिजिड नहीं है, ये प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस की तरह वर्क करते हैं जो कि टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। दिस रिलेट्स टू टास्क एंड रीजन, और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है टोटली किससे रिलेटेड होता है, टास्क और रीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टास्क इन सच प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन टू प्रोवाइड द गाइडलाइन टू द मैनेजर फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर बताया गया है कि टाइम टू टाइम क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें किस चीज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं, डिसीजन के डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में हेल्प करता है। ठीक है, एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दीज प्रिंसिपल्स आर ट्रू बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रू। फिर कुछ एक्सपर्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, ट्रुथ है, एक सत्य है, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें चेंज करने पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ रिजिड होकर बंधे नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, फिर नेचर के बारे में हमें समझा गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल है, जहाँ कहीं भी बिजनेस वर्क कर रहा है, जहाँ कहीं बिजनेस वर्क यूनिट्स एस्टेब्लिश है, जहाँ कभी ह्यूमन मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलकर ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहां पे क्या होता है, प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें वो है कि हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स में चेंज एज पर द टाइप फॉर्म एक्टिविटी साइज ऑफ द बिजनेस। अब जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे वो फॉर्म की मतलब जो हमारी कंपनी है उसके टाइप के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है, हमने पहले लाइन से बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे है, नेचर में रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, हम एज पर द सिचुएशन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो जो हमारे मैनेजमेंट गुरु थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उसको अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया एक प्रिंसिपल के रूप में। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो किसी ना किसी एक्सपर्ट की क्या है,
एक्सपीरियंसेस है जो कि हमें मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमें एक जनरल गाइडलाइंस की तरह हेल्प करते हैं हमारी कंपनी को मैनेज करने में, आप समझ सकते हैं। द फॉर्म ऑफ दीज इशू में डिफरेंट एज पर द यूनिट कुड नॉट गिव द सिमिलर रिजल्ट ईच यूनिट ऑफ सिचुएशन दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड। फिर वही हमें बताया गया इसमें कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सभी कंपनी जो है वो एक तरह रिजल्ट नहीं देती, कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करती है, कोई कंपनी एकदम मिड प्रॉफिट गेन करती है, मतलब ना ज्यादा प्रॉफिट ना लॉस, मतलब कंपनी बस चल रही है लेकिन कोई कंपनी होती है लॉस में चल रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या एक जनरल गाइडलाइन की तरह वर्क करती है, अगर कहीं पर भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, रिजल्ट आ जाती है कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करना पड़े तो चेंज भी हो जाते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता या स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब कोई भी कंपनी वर्क कर रही है तो किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं टोटल कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज के ऊपर बेस करती है, उनका बेस क्या होता है एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे कंपनी में तो कंपनी वर्क कैसे करेगी। तो वही बताया गया है जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको भी किसके ऊपर बेस करके बनाया गया, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर को उसमें प्रॉपरली समझा गया है, ठीक है। ऐसा ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट में सीम हैव बीन बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो थे उनको ह्यूमंस को ध्यान में, जो एम्प्लॉयज है उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उनको सेंटर में रख के बनाया गया। तो क्या होता है इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता हुआ हमें दिखाई देता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, हमारे जो एम्प्लॉयज उनका वो उनको इंकरेजमेंट मिलता है, उनका एंथुसियाज्म बूस्ट होता है, वो अच्छे से वर्क करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिकल फेनोमेना, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें बताया गया जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, इसलिए और ह्यूमन बिहेवियर के खासकर साइकोलॉजिकल फेनोमेना के साथ होता है। तो हमें खास करके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई भी अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं अपने फॉर्म के ऊपर, हमें ये देखना चाहिए जो हमारे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन चीजों का भी हमें क्या करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर कंटिजेंसी, कंटिजेंसी के बारे में बताया गया, कंटिजेंसी वन ऑफ द एलिमेंट अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड इजियर बाय द यूनिट टेकिंग द रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू द यूजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स अटेन अवॉइडेबल सिचुएशंस सच टू पे एप्रोप्रिएट रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज, द क्राइटेरिया बीइंग फेयर रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग द नेसेसिटी एंड कंटिजेंसी ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर। फिर बताया गया कंटिजेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं एलिमेंट है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, ठीक है। तो अब हमें इसमें सिंपल सा बताया गया कंटिजेंसी हमें एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन कभी कभी क्रिएट हो जाती है हमारे बिजनेस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें सच एज टू प्ले अप्रोप्रिएट रीजनेबल वेजेस, जैसे कि अगर हमारी कंपनी कम प्रॉफिट भी कर रही है तब भी क्या हमें प्रॉपर रीजनेबल वेजेस तो देने पड़ेंगे, जो भी वर्कर्स हैं हमारे उनको प्रॉपर रीजनेबल वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज को, भले कंपनी हमारी लॉस में चल रही है प्रॉफिट में चल रही है या कम अर्न कर रही है तब भी देना पड़ेगा। तो ये सब किस में कंसिडर किया जाता है कंटिजेंसी में किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम ये देखें, फिर हमें बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये विजन है किसके लिए, मैनेजेरियल बिहेवियर के लिए, जो कि हमारे मैनेजमेंट वर्क को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट वर्क बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और जो मैनेजर्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं अपने जो गोल्स डिसाइड हुए होते हैं हमारी कंपनी के, जो भी गोल्स होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए किसका यूज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का होता है। तो फिर हमें बताया गया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो पहला इंपॉर्टेंस दिया गया इंक्रीज इन मैनेजेरियल इफिशियंसी, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉपरली यूज करते हैं अपनी कंपनी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो क्या होगा जो हमारी मैनेजरियल इफिशियंसी हमारी कंपनी की वो बढ़ती चली जाएगी और हमारी कंपनी प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमें मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए देखते हैं मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। मोस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द बिजनेस बट इट इज अनअवॉइडेबल टू मैक्सिमम यूजेस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज है जो
ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू हो सकता है, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के थ्रू ही हो सकता है। अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, हमारी कंपनी को कौन चलाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी कंपनी और भी अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सकते हैं एट द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्टिंग। उसके बाद फिर बताया गया हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी हेल्प से अगर हमारी कंपनी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें हमें डिसीजन लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक डिसीजन लेने या लॉजिकल डिसीजन लेने हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर डिसीजन लेंगे तभी हमारी डिसीजन और टाइमली डिसीजन लेंगे तभी क्या होगा, हमारी कंपनी प्रॉपरली टाइम टू टाइम ग्रो कर पाएगी और एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, वही इसमें मोर ओवर डिसीजन शुड बी टाइमली रियलिटी बेस्ड, एंड जो भी हमें डिसीजन लेने हैं वो टाइमली होने चाहिए, मतलब टाइम पे होने चाहिए, रियलिटी बेस्ड होने चाहिए, मतलब हो सके ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं सोच लेना चाहिए कि हम यही करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हम डिसीजन ले रहे हो इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। हम देखते हैं जब भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे बिजनेस एनवायरमेंट जो है धीरे 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 चेंज होता चला जा रहा है। जैसे पहले हम देख सकते हैं, पहले आप समझिए पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो अकाउंटेंट होते थे नोटबुक पे क्या करते थे, रजिस्टर होता था उनके पास जिसपे वो सारा अकाउंट लिखा करते, लेकिन अब के टाइम पे क्या हो गया, कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर पे वो लोग क्या करते हैं फटाफट टाइप करके एक हमारा जो अकाउंट होता है प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ही बताया गया हमारे बिजनेस को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने से क्या होता है, जो हमारा बिजनेस और जो चेंज विद द चेंजिंग ऑफ टाइम होते क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बिजनेस में बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ऑर्डिनरी गाइड बताया गया है। तो टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे जैसे कोई भी बिजनेस अगर स्टेब्लिश होता है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, बिजनेस इंडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। इसमें आप ये वाले पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जो बिजनेस है उसको इंडिविजिबल पार्ट बताया गया कम्युनिटी का, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा बिजनेस है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। क्या तो उसकी हेल्प से अगर हम प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी प्रॉपरली फुलफिल हो पाएंगे। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी आर ऑल्सो मेन एम ऑफ द बिजनेस। बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यू कैन बी इजीली अचीव द सोशल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वही बताया गया अगर हम प्रॉपरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, फुलफिल कर पाएंगे। फिर आगे बताया गया यूजफुल फॉर द रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो भी रिसर्च ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है उसमें भी किसकी हेल्प से हम इजिली रिसर्च ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्रू विच अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, हमें इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स ओनली यूजिंग द प्रिंसिपल टास्क ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट इज पॉसिबल लाइक नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन टू अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट बिजनेस। फिर हमें बताया इसमें कहा जा रहा है यूजफुल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके किसमें भी यूजफुल है, रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे रिसर्च में हम समझ सकते हैं प्रॉपरली एक अच्छे जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करना और साथ साथ क्या करना, एक प्रॉपर जो भी हमारा फ्यूचरिस्टिक गोल है उसके ऊपर रिसर्च करना। ठीक है, फिर ट्रेनिंग, जो भी हम एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं उनको पहले ट्रेनिंग देना कि हमारी कंपनी कैसे वर्क कर रही है, आपका जो वर्क है वो आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में बताना दी ये सब। उसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज है उनका डेवलपमेंट, जो भी हमारी कंपनी उसका डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को कौन
करता है, किसके हेल्प से हम कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा बताया गया है कि जो रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसको भी हम किसके हेल्प से प्रॉपरली कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं दिया गया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये तो नीचे का एग्जाम्पल दिया गया आपको, जस्ट एक्सप्लेन ये फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद थॉट्स, उसके बाद थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे टाइम टू टाइम क्या हुआ, नए नए थॉट्स आते गए, जैसे पहले जो हमारे मैनेजमेंट गुरुज थे उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से थॉट्स दिए, फिर उसके बाद कुछ मैनेजमेंट गुरु हुए जिन्होंने अपने टाइम के हिसाब से थॉट दिए, ठीक है। फिर लास्ट टू लास्ट ऐसे जो करंट मैनेजमेंट गुरु थे उन्होंने मॉडर्न थॉट्स के बारे में बताया। चलिए हम पढ़ते हैं, पहला थॉट दिया गया क्लासिकल थियरी, द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, ठीक है। फिर हमें बताया गया, क्या बताया गया, द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इज नोन एज थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। ऐसे थॉट्स मैनेजमेंट के जो 19th सेंचुरी तक प्रेजेंट किए गए थे, जिन्हें 19th सेंचुरी तक डिस्क्राइब किया गया था, उनको क्या कहा जाता है, क्लासिकल थियरी कहा जाता है, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी कहा जाता है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो उसमें बताया गया फिर कौन कौन से ऐसे प्रमोटर्स थे, कौन कौन से मैनेजमेंट गुरु थे जिन्होंने क्या किया इस क्लासिकल थियोरी में अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है। नाम कुछ दिए हैं आप याद कर लीजिएगा, फ्रेडरिक टेलर जी, मैक्स बीबर, गिलब्रेथ, हेनरी जेंट, हेनरी फ्योर एक्सेट्रा। फिर आगे फिर इन जो ये मैनेजमेंट गुरु थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है, उनके योगदान के बारे में, उन्होंने मतलब किस चीज को डिस्क्राइब किया था इस थॉट में उसके बारे में बताया गया। टेलर्स कंट्रीब्यूशन ऑन द क्लासिकल थियरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय द फ्रेडरिक टेलर आल्सो एग्जिस्ट इनटू द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। फिर जो फ्रेडरिक टेलर ने क्या किया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया था, जो जो कि क्योंकि किसमें क्लासिकल थियरी में इंक्लूडेड है। अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर्स, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है, इस चीज के बारे में बताया गया। टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बताया गया था, कोई भी वर्क जो है टाइम पे होना चाहिए, हमें मोशन स्टडी करना चाहिए कि कौन सा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, हमें ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के इसको फॉलो करना चाहिए, टाइम एंड मोशन स्टडी को फॉलो करना चाहिए। द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज इन स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट का उसको बताया गया, वो स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव वेज रेट, फिर उसमें क्या डिस्क्राइब किया था, प्रोग्रेसिव वेज रेट, जो अगर जैसे कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो वेज रेट है वो भी बढ़ते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ज्यादा कर रहा है बाकी सब एम्प्लॉयज से, तो उसके वेज रेट भी क्या होने चाहिए, प्रोग्रेस करने चाहिए टाइम टू टाइम, वेज रेट भी बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है। फिर बताया गया कि जितने भी वर्कर्स हैं सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है, आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है, साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। फिर बताया गया साइंटिफिक मेथड से हमें क्या करना है, जो भी टास्क है, जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर्स में, ठीक है। जो भी वर्कर है, जो भी वर्कर जिस वर्क के लिए एलिजिबल है उसको वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। The contribution of Henry Fayol thoughts classical theories also is significantly contributed to thoughts of management expressing the general principles of management. He decided levels of, फिर उसमें बताया गया कि जो हेनरी फ्योल जी थे उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, हमने ऊपर पढ़ाई था, तो उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, he decided the levels of different tasks, business even tried to decide the limits of task, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेवल डिसाइड किया कि अलग अलग बिजनेस यूनिट में क्या वर्क का लेवल क्या हो सकता है, जो टास्क है उसका लेवल क्या हो सकता है और उसकी लिमिट क्या हो सकती है, पर वर्कर कितने क्या टास्क दिया जा सकता है और लिमिट उसकी लिमिट क्या है, मतलब कितने उससे ज्यादा टास्क नहीं दिया जा सकता। परफॉर्म द मैनेजरियल ड्यूटी एट द डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ही ऑल्सो प्रोवाइडेड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, उन्होंने कुछ दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस भी बनाई थी जिन्होंने हेनरी फेयोल जी ने बनाई थी। Apart from this, there is a contribution of Max Weber in the thoughts of classical theory in the 19th century formats and size started to change. और फिर बताया गया, हमने ऊपर पढ़ाया था कि जो Max Weber जी थे उन्होंने भी क्या किया था, कुछ contribution दिया था, ठीक है।
फिर हमें बताया गया 19 सेंचुरी के बाद धीरे 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 जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो फॉर्मेट्स थे वो चेंज होते चले गए, जिसकी वजह से हमें न्यू थॉट, ये जो पुराने थॉट, जो ओल्ड थॉट्स थे, जो क्लासिकल थियरी थी, इसमें कुछ लिमिटेशंस आने लगी, जिसकी वजह से एक नीड अराइज हुई कि नए थॉट्स की, जिसकी वजह से हमें क्या एक नया थॉट अडॉप्ट करना पड़ा। फिर कुछ और मैनेजमेंट गुरु हुए जिन्होंने क्या किया, एक नई थियरी बनाई जिसको हम क्या कहते हैं न्यू क्लासिकल थियरी। ठीक है, जो न्यू क्लासिकल थियरी, इसमें क्या हुआ था, जो लिमिटेशन है कि कौन से थियरी के, क्लासिकल थियरी की, उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ, जो भी ये जो नई थियरी, ऐसी थियरी जिसमें जो क्लासिकल थियरी के लिमिटेशन थे उनको रिमूव कर दिया गया था, और कुछ जो क्लासिकल थियरी थी उसी में कुछ चेंजेस लाके जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक नई थियरी को डिफाइन किया, उसको क्या कहा गया, न्यू क्लासिकल थियरी कहा गया। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आफ्टर इंडस्ट्रियल फॉर्मेट, फिर जब 19th सेंचुरी के एंड तक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो वहां पे एक नीड अराइज हुई कि हमें एक नए टाइप के मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, हमें एक नए टाइप के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है। इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एल्टन मायो थियरी ऑफ हाउथॉर्न गेव अ न्यू बर्थ ऑफ बिहेवियर रिलेटेड ओरिएंटेड थॉट्स। ठीक है, फिर बताया गया है, क्या बताया गया, एट द इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जिसको कहा जा सकता है, एल्टन मायो, उन्होंने एक थियरी दी थी, उस थियरी का नाम क्या था, थियरी ऑफ हाउथॉर्न। ठीक है, अभी अंडरलाइन करिए, स्टार मार्क कर लीजिए, एल्टन मायो की थियरी कौन सी थी, थियरी ऑफ हाउथॉर्न। उन्होंने एक बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट के बारे में बताया, अपनी थियरी में उन्होंने बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स के बारे में समझाया। सो द एल्टन मायो कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। ठीक है, इसीलिए जो एल्टन मायो थे उन्होंने, उनको क्या कहा गया है, थॉट्स ऑफ प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। नियो क्लासिकल थियरी के जो प्रमोटर थे उनको, वो कौन थे, एल्टन मायो थे। आप ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया, तो आप ये बात वॉल लाइन एक्स्ट्रा अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूरा पैराग्राफ ही आपको पूछा जा सकता है, 3 मार्क में पूछ लेंगे या 2 मार्क में पूछ लेंगे, या इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। इन जो न्यू क्लासिकल थियरी थी वो कब स्टार्ट हुई, ठीक है, प्रमोटर कौन थे उसके, तो प्रमोटर कौन थे न्यू क्लासिकल थियरी के, एल्टन मायो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक थियरी दी थी, थियरी ऑफ हाउथॉर्न, जो कि बिहेवियर, जिसमें बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स इंक्लूडेड थे, और जो न्यू क्लासिकल थियरी, इसमें भी कुछ बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स जो थे वो इंक्लूडेड थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एल्टन मायो जी थे वो कौन थे, प्रमोटर थे न्यू क्लासिकल थियरी के। ठीक है, और बाकी बिहेवियर ओरिएंटेड जो थॉट्स हैं उनके बारे में, वो एक नई थियरी आई थी, उसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे, अगला टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, एडिशन वर मेड टू थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पिरेशन एक्सेट्रा। अब जो हमारी क्लासिकल थियरी थी उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, उसमें थोड़े चेंजेस लाए गए और कुछ चीजें उसमें जोड़ दी गई, जैसे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी कभी इनफॉर्मली भी वर्क कर सकता है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ चीजें, जो ह्यूमन बिहेवियर का जो टॉपिक था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ह्यूमन रिलेशंस के बारे में इंक्लूड कर दिया गया, इंस्पिरेशन के बारे में, उनके बारे में कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए, इसलिए थियरी को क्या कहा गया, न्यू क्लासिकल थियरी कहा गया। ठीक है, एल्टन मायो, हर्ज़बर्ग, रेंसिस लेकर्ट, क्रिस एग्रेस। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिनको मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं, किसके, न्यू क्लासिकल थियरी के। ठीक है, लेकिन आपको न्यू क्लासिकल थियरी में मेन नाम क्या याद करना है, एल्टन मायो। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है थॉट्स ऑफ, नया टॉपिक हमें इसमें, इसी में आप देख सकते हैं जो न्यू क्लासिकल थियरी है इसी को थोड़ा और अच्छे से, इसमें जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स है जो कि एल्टन मायो जी ने स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट किया था, उसी को थोड़ा और डिस्क्राइब करके क्या किया गया, एक टॉपिक बना के हमें दे दिया गया, जिससे हम क्या करें, इजिली समझ सके कि ये बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स क्या थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहेवियर रिलेटेड थॉट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द अदर्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, दूसरे से काम करवाने की कला को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एज द प्रोफेसर उर्विक सेड, यू मैनेज योर मैन विल मैनेज द रेस्ट ऑफ ऑल। फिर प्रोफेसर उर्विक जी जो थे उन्होंने क्या कहा,
यू मैनेज योर मनी, तुम खाली अपने जो लोग हैं उनको मैनेज कर लो प्रॉपरली, वो आपके लिए बाकी सारी चीजों को वो आपके लिए मैनेज कर देंगे, ठीक है, जो भी बाकी चीजें वो आपके लिए मैनेज कर देंगे। लाइक वाइज द एम्प्लॉयज और पर्सन हैविंग द इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ यूनिट, तो उसी के हिसाब से हमें क्या बताया गया, बिहेवियर रिलेटेड थ्योरी समझाई गई कि जो एम्प्लॉयज है, जो पर्सन हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनका भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी यूनिट में, ठीक है। और फिर हमें साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, डन बाय द पर्सन, ठीक है, जो भी हमारी कंपनी का मैनेजमेंट है वो हमारी कंपनी के लोग ही मिलके करते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर जो मैनेजर है उसने क्या क्या सिर्फ ऑर्डर्स पास कर दिए, उन्होंने उसने बोल दिया जो भी वर्कर्स है कि ये काम करना है, बाकी वर्कर्स अब इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली उस वर्क को, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जो भी मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ, वो क्या करते हैं, खाली एक डिसाइड करते हैं कंपनी किस बेस पे वर्क करेगी, फिर वो क्या करते हैं वही ऑब्जेक्टिव इसको मैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है, मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है, उनको बताते हैं। और फिर जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो उस हिसाब से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर वो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए पर्टिकुलर जो भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं जॉबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका वर्क डिसाइड कर देते हैं, आप ये काम करेंगे आप ये काम करेंगे, और सुपरवाइजर को बता देते हैं ये सब लोग काम कर रहे हैं, आप इन सब चीजों को क्या करेंगे मैनेज करेंगे। तो क्या आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल से फिर मिडल लेवल पे आया, मिडल लेवल से फिर कहाँ पे आया, बॉटम लेवल पे आया, तो आप देख सकते हैं तीनों लेवल पे मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। अगर तीनों लेवल पे मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है तो क्या होता है कि हमारी कंपनी एक सक्सेस की ओर आगे बढ़ती है। तो वही बताया गया इसमें कि जो भी मैनेजमेंट है वो पर्सन ओरिएंटेड है, जो भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके ओरिएंटेड है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन टॉपिक होता है जॉब सेटिस्फेक्शन के बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, में जो भी हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं और हमें उस काम के लिए प्रॉपर वेजेस या सैलरी मिल रही है, उनकी इफिशियंसी टाइमली इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं कुछ, ठीक है, यही सारी चीजें हमें कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो थॉट्स बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स है इनमें ह्यूमन रिलेटेड थियरी को समझाया गया है। जो हमने पढ़ा था एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप समझ सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसी थॉट से लिया, इसी थॉट से प्रभावित होकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम का एक वो बना दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। हमने पहले देखा क्लासिकल थॉट्स, ये क्लासिकल थियरी, न्यू क्लासिकल थियरी में क्या था हमारा बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट पॉइंट क्या दिया गया, थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब जो मॉडर्न मैनेजमेंट था उसके क्या थॉट्स थे, अ चेंज वाज ऑफर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस यूनिट आफ्टर 1960 के बाद बिजनेस इंडस्ट्री में फिर से एक चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। हमने देखा 19th सेंचुरी फिर 20th सेंचुरी, अब देख रहे हैं 1960 के बाद कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए, जिसके लिए हमें क्या जरूर हमें एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत पड़नी स्टार्ट हो गई, हमें एक स्पेशल मैनेजमेंट की नीड अराइज हो गई, ठीक है। वेयर द एडवोकेसी ऑफ द थॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल सोर्सेस स्टैटिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर मेड। और फिर क्या किया गया, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया, जैसे साइकोलॉजिकल थॉट्स को बताया गया, सोशल स्टडीज स्टैटिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर इन सारी चीजों के बारे में भी कुछ थॉट्स बनाए गए, ठीक है। कुछ चीजें डिस्क्राइब की गई कंपनी में, इन सब चीजों की हेल्प से भी वर्क स्टार्ट हो गया। फिर मैनेजमेंट, अब जो मॉडर्न मैनेजमेंट था उसके गुरुज कौन कौन से थे, कुंस्ट ओडोनिल जॉर्ज आर टेरी, ठीक है, मोरेवर पीटर डेकर विलियम आउची सी के प्रहलाद हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द इन दिस थॉट, आप समझ सकते हो। आप इसमें एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी कभी आपको एमसीक्यू पूछते हैं सी के प्रहलाद जी जो थे वो कौन से मैनेजमेंट थॉट के प्रमोटर थे, कौन से मैनेजमेंट थॉट में वो थे, ठीक है, तो कौन सा था मॉडर्न थॉट्स में सी के प्रहलाद जी जो है वो थे, ठीक है। फिर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेट के बारे में बताया, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो फ्रेडरिक टेलर थे उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, वो क्या करते थे, कैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है।
हमें पहले पैराग्राफ में बताया गया है जो फ्रेडरिक टेलर जी थे वो एक क्या थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे कहाँ पे, अमेरिका में। उन्होंने अपने स्टार्टिंग फेज में क्या किया, एक फैक्ट्री में एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन किया था, एक फैक्ट्री में उन्होंने अप्रेंटिस के तौर पे वर्क करना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद वो कहाँ, मैथिलन के स्टील कंपनी में मैनेजर बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से उनको प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक, फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया था, फ्रेडरिक टेलर जी ने रिप्रेजेंट किया था। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो फ्रेडरिक टेलर जी है। आप जो भी चीजें मैंने अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, या वन मार्कर या थ्री मार्कर फाइव मार्कर जो भी आप देखना चाहें, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन आपको इसमें कर दी है। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको आगे चलते चैप्टर भी पढ़ने को आएगा, ठीक है। इसी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, पहले बीच में दो क्लासेस होती है, पहला पहली क्लास कौन सी होती है, ओनर्स की, और दूसरी होती है वर्कर्स की। तो जो वर्क जो ओनर्स होते हैं उनका मेन होता है कि जो प्रॉफिट है, वेल्थ है, उसको अपने ऑप्टिमाइज करते रहे, प्रॉफिट और वेल्थ उनकी इंक्रीज होती रहे। और जो एम्प्लॉयज है वो किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हायर वेजेस और जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो ओनर्स हैं उनको क्या मतलब होता है, प्रॉफिट से। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो किसके लिए वर्क करते हैं, अपने हायर वेजेस के, मतलब जो वर्क करते हैं उनको अच्छी सैलरी मिले और जॉब सेटिस्फेक्शन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन मीन मतलब प्रॉपर वर्क एनवायरमेंट एनवायरमेंट मिले, जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करें, ठीक है, कोई प्रेशर ना हो, ये सारी चीजें को हम जॉब सेटिस्फेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो हमारे फ्रेडरिक टेलर जी थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को। और उन्होंने किसको चैलेंज किया, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसको उन्होंने चैलेंज किया है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, उसको थंब रूल करके बताया है उन्होंने। अब थंब रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या था, जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जो वर्कर कोई वॉइस नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, आप ये मत समझिए घूम गए थे, वो ऐसा नहीं था। वो उसमें समझा ये बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर, जो पहला हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जो ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, वर्क अलॉट कर देते थे किसको, सीधा वर्कर्स को। अब वर्कर्स जो थे उनको वो काम करना ही था, अगर उनको वो काम नहीं करना या उस काम में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो किसके पास नहीं जा सकते, ओनर्स के पास कंप्लेन करने के लिए नहीं जाते, तो इसलिए उसको थंब रूल कहा गया। जो ओनर थे वो पर्टिकुलर वो क्या करते थे, वर्क अलॉट कर देते थे किसको, वर्कर्स को, और वो वर्कर्स चाहे जैसे वर्क करें, और उनको उनका जो वेज रेट था वो भी डिसाइड था, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको इतना मिलेगा और ये काम आपको करना ही है, दूसरा काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था, ट्रेडिशनल मेथड कहा गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, जो ओनर था उनका डोमिनेंस बहुत बढ़ गया था। फिर दिस टाइम द टेलर प्रेजेंटेड न्यू कॉन्सेप्ट विद द साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ थंब रूल वर्क व्हिच इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर जो फ्रेडरिक टेलर जी थे उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जिसको साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ थंब रूल। तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज थंब रूल, ठीक है, तो साइंस वाला मत लिख के आइएगा जो आपको टेंथ में था, ठीक है। यहाँ पे थंब रूल आपको इकोनॉमिक्स में दूसरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थंब रूल है कि जो वर्कर्स थे उनकी कोई ओनर्स के अगेंस्ट कोई वॉइस नहीं थी, जो ओनर्स वर्क अलॉट करते थे वही वर्क पर्टिकुलर वेज रेट पे वर्कर्स को करना पड़ता था, उसी को क्या कहा जाता है, थंब रूल कहा जाता है। वर्कर्स कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते थे, आप किसी भी वर्क के लिए मना नहीं कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते, फिर हमें मीनिंग जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके मीनिंग्स के बारे में बताया गया, क्या मीनिंग क्या हम देख लेते हैं पहले। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेंटल रिलेशन पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री, इट इज टोटली मेंटल रिलेशन टास्क ड्यूटीज कॉलेजेस एंड ओनर्स, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट को सिंपली डिस्क्राइब किया गया है, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है,
एक मेंटल रिवोल्यूशन है. मेंटल रिवोल्यूशन इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर से वर्क कर रहे हो, प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर वर्क के लिए सुटेबल बन सकते हैं. इट इज टोटली मेंटल रिवोल्यूशन टुवर्ड्स दैट टास्क. एक मेंटल रिवोल्यूशन होता है, एक मेंटली प्रिपेयर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है जो भी हमारे वर्कर्स है, उनको किस चीज के लिए, उनके टास्क के लिए, उनको क्या वर्क करना है उसके लिए मेंटली पहले प्रिपेयर किया जाता है. उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको ये वर्क ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी, उनके कॉलेजेस कौन कौन से हैं और ओनर कौन है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको एक प्रॉपरली उनको बताई जाती है, समझाई जाती है, या कह सकते हैं एक मेंटल रिवोल्यूशन है, जिससे क्या होता है जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है किसमें, एम्प्लॉयज में, ठीक है. फिर कुछ डेफिनेशन दी गई, टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैन नोइंग एग्जैक्टली व्हाट योर व्हाट यू वांट योर मैन टू डू. अब इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, आप देखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट की, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट योर व्हाट यू वांट योर मैन टू डू. आप क्या चाहिए, आपको खुद पहले ये समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग क्या करें आपके लिए, ठीक है. अगर ये सिंपल सी डेफिनेशन है, उसके बाद आप देखिए, आप पहले तो ये समझ लीजिए आपको आप अपने लोगों से करवाना क्या चाहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो वर्क आप उनको प्रॉपरली अलॉट करके देखिए वो, एंड देन सी इट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है. फिर बताया गया अगर आप प्रॉपरली समझ जाते हैं आपको क्या वर्क करवाना, जो वर्कर्स उनको बताते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, वो लोग इतने अच्छे से वर्क करेंगे, इतना बेस्ट वर्क करेंगे और एकदम चीपेस्ट वे में करेंगे, मतलब एकदम आसानी से आपका काम कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है, और कोई जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट नहीं होगा, प्रॉपरली टाइमली वर्क होता रहेगा. तो आपको डेफिनेशन देगा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है. फिर कुछ एज द चैलेंजिंग सेशन वाज प्रेजेंटेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट द रिवोल्यूशनरी थॉट्स वेयर द बिलो स्टेटेड मैटर्स वर कंसीडर. और जो कुछ चेंजेस लाए गए थे, कुछ चैलेंजेस थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे तीन पॉइंट्स में डिस्क्राइब की गई. चलिए देखते हैं क्या क्या है. ईच वर्कर शुड असाइन द वर्क एज पर द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी. जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें वर्क क्या करना चाहिए, असाइन करना चाहिए. ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी. जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो परफॉर्म मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करें अपने हिसाब से. Each worker doing efficient rapidly should be paid more wages. और जो भी worker हमारी company में कोई भी work efficiently कर रहा है, timely कर रहा है, जल्दी से कर रहा है बाकी workers से, तो उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा wages देनी चाहिए, more than 30% to 100%. मतलब कम से कम अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है देन अदर वर्कर्स, उसको कम से कम 30% या 100% के बीच में उसकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है. प्रिंसिपल फ्रेडरिक साइंटिफिक अप्रोच वाज रिवोल्यूशनरी एक्ट, ही वाज इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स टू द ओनर्स में वर्क विद अ हार्मनी. ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी. ठीक है, उसमें जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उनकी कोई वॉइस नहीं होती अगेंस्ट किसके, ओनर्स के. लेकिन जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें बताया गया कि ओनर्स में वर्क विद हार्मनी, जो ओनर्स है उनको वर्कर के साथ क्या करना चाहिए, वर्कर्स एंड ओनर्स और वर्कर्स जो उनको हार्मनी के साथ वर्क करना चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं मिलजुल के एक एक समरसता बना के वर्क करना चाहिए. इफ प्रोवाइडेड साइंटिफिक मैनेजर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं साइंटिफिक मेथड. ठीक है, तो हमें अगर कोई वर्क करना है तो पहले तो हमें साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना चाहिए. साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड अबाउंडिंग ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड ना अडॉप्ट करके हमें पहले कोई भी अगर वर्क कंप्लीट करना है तो साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना चाहिए. और थिंकिंग हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिकली. और हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो वर्क है वो कैसे एकदम इजीली हो सकता है उसको एनालाइज साइंटिफिकली. ठीक है, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हमें पहले प्लान करना चाहिए. फिर हम एक्सपर्ट्स प्लानिंग क्या, हमें पहले एक्सपर्ट्स को बुला के प्रॉपरली प्लान करना चाहिए कि हमें क्या वर्क करना है, कैसे करना है, उन सब सारी चीजों को प्लान करना चाहिए. और फिर प्लान को हमें क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए. फिर जॉब एनालिसिस क्या है वो देख लेते हैं. जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट द वर्क डन स्पीडली एट लोअर कॉस्ट विद प्रोडक्टिविटी इन द. जॉब एनालिसिस एक क्या है, प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, क्या है प्रिंसिपल है
इसमें हमें क्या करना, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, अब जो भी वर्क है उसको स्पीडली और बहुत कम कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। और जॉब एनालिसिस में बताया गया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कौन सा काम कितने टाइम में हो सकता है, मोशन स्टडी। फिर एंड एक मिनट क्या दिया गया है, इरेज कर लेते हैं। फटीग स्टडी, तीन टाइप की स्टडीज के बारे में बताया गया, जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्क है उसको समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर वर्क कितने टाइम में हो सकता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कर्स जो भी है उनको बोल सकते हैं कि आप ये वर्क मुझे इतने टाइम में करके दे दीजिए, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वर्क अलॉट किया जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना और टाइमली कम्प्लीट करवा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, वी शुड बी डन इन एडवांस। जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, टाइम सिचुएशन ऑफ वर्क रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ये सब जो इन सब का स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, इन सबको कंसीडर करना चाहिए। मैं जैसे कि इक्विपमेंट्स, कौन सा इक्विपमेंट हो रहा है, कितने टाइम में हमारा वर्क हो रहा है, सिचुएशन क्या है वर्क की, और रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज हो रही है, इन सारी चीजों को हमें प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो हमारे जो भी हम वर्कर्स को वर्क पे रख रहे हैं उनका प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपरली उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब साइंटिफिक, आप साइंटिफिक सिलेक्शन समझ सकते हैं, जो भी वर्कर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क देना चाहिए, उनकी स्किल्स उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क देना चाहिए, ठीक है, वही साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है। फिर जो भी वर्क उन्हें अलॉट किया जाता है उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए। फाइनेंशियल मोटिवेशन, जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देना चाहिए, जैसे कि बोनस, ठीक है, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव एक्सेट्रा का यूज करके क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं वर्कर्स को, जिससे और भी वो लोग अच्छे से काम करें। फिर इकोनॉमिकल लो प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो देयर, कॉस्ट एस्टिमेशन कंट्रोल मेथड्स शुड बी कंसीडर। जब भी हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर रहे हो तो हमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, इकोनॉमिकल थिंग्स जो है उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लोअर कॉस्ट पे हो सके, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या दिया गया है हमें, मेंटल रेगुलेशन। फिर एट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या दिया गया है हमें, एट मेंटल रेगुलेशन, देयर शुड बी अ मेंटल रेगुलेशन फॉर द अचीवमेंट बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स। मेंटल रेगुलेशन रिड्यूसेस स्ट्रेस बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स, एक मेंटल रेगुलेशन होना चाहिए ओनर्स और वर्कर्स के बीच में, ताकि दोनों को क्या रहे, ओनर्स को टाइमली प्रॉफिट मिलता रहे, जिससे उनका उनको भी एक अपने वर्क से बिजनेस से सेटिस्फेक्शन मिलता रहे, जो और जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली टाइमली वेजेस मिलती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है एक स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स कौन कौन सी है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें यूज कर टाइम स्टडी क्या होती है, मोशन स्टडी क्या होती है, अब उसके बारे में पढ़े, हमने ऊपर खाली पॉइंट्स पढ़े थे लेकिन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइम स्टडी क्या है, ठीक। तो टाइम स्टडी को आप सिंपल से समझ सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, तो पहले हमें जो भी पर्टिकुलर वर्क, जो भी टास्क है, तो उसकी टाइम स्टडी करनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर वर्क को कम्प्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसी उस पर्टिकुलर टास्क को उतने टाइम के लिए अलॉट कर देना चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर वर्क उतने टाइम में कम्प्लीट करके देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर बताया गया एज पर ट्रेलर द वर्क शुड बी फिनिश प्रिस्क्राइब टाइम एंड केयरफुली स्टडी ऑफ इट्स केयरफुली स्टडी इज टाइम स्टडी। कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए कोई भी वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, उसी को क्या कह सकते हैं, टाइम स्टडी कह सकते हैं। और उसी वर्क को उतने टाइम में कंप्लीट करना, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कोई भी वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, फिर उसी वर्क को एक जो पर्टिकुलर टाइम हमने डिसाइड किया उसमें फिनिश करना प्रिस्क्राइब टाइम में, उसी को क्या कह सकते हैं, हम टाइम स्टडी कह सकते हैं। मतलब पहले तो टाइम को स्टडी करना कितने समय में काम पूरा हो सकता है, फिर उतने ही समय में हमें वो पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करना क्या हो जाएगा, टाइम स्टडी हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर मोशन स्टडी आता है, फिर मोशन स्टडी सिंपल सा होता है, आप समझ सकते हैं कि हमें मोशन स्टडी में जो
वेस्टेज हो रहे थे, हमारे जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो भी रॉ मटेरियल, उनका वेस्टेज, उनके वेस्टेज को अवॉइड करना है, ठीक है। उनका जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, मतलब जो भी वेस्ट हो रहा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जो उनका वेस्टेज हो रहा है, उनको क्या करना, अवॉइड करना है, उनको रिमूव करना, ठीक क्या हो जाता है, हमारा मोशन स्टडी हो जाता है। और मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द बेस्ट बेस्ट फाइंड आउट द बेस्ट मेथड व्हिच रिजल्ट द मिनिमम वेस्टेज ऑफ द वर्कर्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हम मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक अच्छा से एक बेस्ट मेथड फाइंड करना, जिसकी हेल्प से क्या करें, जो वेस्टेज हो रहा है वर्कर्स का भी, रॉ मटेरियल का भी, ठीक है, उन सबको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। फिर हमें बताया गया डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अब हम हमारी कंपनी में कई तरह के वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी जो वर्क कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग वर्क कैपेसिटी होती है, सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, सबके पास अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं सब लोग, कोई वर्कर है जो बहुत ज्यादा, जैसे ए वर्कर है, कोई भी वर्क बहुत ज्यादा इफिशियंटली कर रहा है, 2 आवर्स में कंप्लीट कर दे रहा है, और उसी जगह बी वर्कर है, वो वही सेम वर्क के लिए 3 आवर्स ले रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ए वर्कर है उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, ठीक है। या कह सकते हैं B, B, C, D, E, F, मतलब बाकी जो 5-6 वर्कर्स है वो सेम वर्क के लिए 3 आवर्स ले रहे हैं, लेकिन ए जो है उन्हीं में से है, लेकिन 2 आवर्स में पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कुछ एक्स्ट्रा वेज रेट मिलना चाहिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए, या बोनस मिलना चाहिए उसके इस वर्क के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। उसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अब डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी में आप समझ सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी ऑफ द वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना, वेजेस देना, ठीक है। उनकी वर्क इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस देना ही क्या होता है, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी होता है। हमने ऊपर पढ़ा था, फिर पढ़ा था फ्रेडरिक टेलर जी ने क्या दिया था, डिफरेंट वेज रेट के बारे में हमें डिस्क्राइब किया था। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल जी ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, हेनरी फ्योल हु प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज फ्रेंच इंजीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट। जो हेनरी फ्योल जी थे वो भी क्या थे, एक फ्रेंच इंजीनियर थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। He presented these principles in a book Industrial and General Management. कुछ principles दिए गए हमें, describe किए गए हैं, जो कि उन्होंने एक उनकी book लिखी थी। उन्होंने कौन सी book लिखी थी, Industrial and General Management, उसमें describe किए थे। पहले तो technical, Henry Fields Administrator divided administrative principles of industrial 6 part, ठीक है। ये आपको 3 mark में पूछा जाता है, very 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 important, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार्म अप कर लीजिएगा। तो उन्होंने पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया 6 पार्ट में डिवाइड करके। टेक्निकल एक्टिविटीज, अब टेक्निकल एक्टिविटीज पहला पार्ट उन्होंने दिया। टेक्निकल एक्टिविटीज है जो भी मशीनरी रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उनको इंक्लूड किया जाता है। फिर उन्होंने दूसरा टाइप दिया गया कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें परचेसिंग, सेल, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैपिटल, कैपिटल फंड, मेंटेनेंस, री इन्वेस्टमेंट, ये सब फंडीज, सेफ्टी एक्टिविटीज, सेफ्टी ऑफ एसेट, सेफ्टी ऑफ गुड्स, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें हैं। अकाउंटिंग एक्टिविटीज, जो भी नेसेसरी हमारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। फिर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट में उन्होंने जो प्रिंसिपल है उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क में, ये लगभग लगातार तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5 बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल एस आर एस अंडर। फिर हेनरी फ्योल जी ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसको डिस्क्राइब किया गया, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऐसे करके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, किन्होंने, हेनरी फ्योल जी ने डिस्क्राइब किए थे। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, हमें मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स है उन्हें, जो भी हमारे पास वर्क है
उसको डिवाइड कर देना चाहिए सभी वर्कर्स को, जिससे क्या हो जाए ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, जिससे जो हमारे पास प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स है उनका ऑप्टिमम यूज हो पाए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्क क्या है वो सब में बांट देते तो जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट होगा हम उसको और दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है डिवीजन ऑफ वर्क से। डिवीजन ऑफ वर्क शुड डन इन द मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल, और जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो कहाँ पे होना चाहिए, मैनेजरियल और फैक्ट्री लेवल पे होना ही चाहिए, जिससे हमारी जो कंपनी उसको बेनिफिट हो सकता है बहुत ज्यादा। उसके बाद अथॉरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी वर्कर्स को उनके पोस्ट के हिसाब से, उनकी जॉब के हिसाब से कुछ ना कुछ अथॉरिटी मीन्स आप समझ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है तो पहले क्या करना चाहिए, उसके नॉलेज को चेक करना, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस है कि नहीं उस पर्टिकुलर वर्क का, आर्ट ऑफ लीडरशिप, मैच्योरिटी एक्सेट्रा चीजों को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है डिसिप्लिन, जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, जिससे क्या हो सके हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे बिजनेस के लिए कि हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर्स इवन कैन टेक वर्क इजली, सुपरविजन क्लियर अप्रोप्रिएट, और जो भी मैनेजर्स सुपरविजन करना चाहिए कि जो वर्क है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी वर्कर है या कोई भी एम्प्लॉय आप कह सकते हैं कंपनी का, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए एट एवरी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पनिशमेंट एट एवरी लेवल आर इम्पोर्टेंट फॉर डिसिप्लिन, और सब पर्टिकुलर आप समझ सकते हैं जो प्रिंसिपल्स है उनको ना फॉलो करने के लिए, डिसिप्लिन ना मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर वर्कर है उसको क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑफिसर या पर्टिकुलर हेड से ही एक कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, फॉर द ऑर्डर्स फॉर मोर देन वन सुपीरियर, जो भी वर्कर्स है उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, और उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से क्या मिलने चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए, जिससे क्या होगा कोई भी वर्क क्या होगा इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सारे वर्क क्या होंगे प्रॉपरली कम्प्लीट होते रहेंगे, टाइमली कम्प्लीट होते रहेंगे। फिर हमें बताया गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्लानिंग इज आउटलाइन फॉर द फ्यूचर डिस्क्राइबिशन आर फाउंड इन द प्लानिंग डायरेक्शन गाइडेंस प्रोवाइडेड, दीज डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, अब जैसे कि हम कुछ पहले तो हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए प्लान करते हैं, उसी प्लान को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो वर्कर्स है हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या देना पड़ता है, देने पड़ते हैं कि आपको ये इस फील्ड में काम करना है, आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है, आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है, ऐसे डायरेक्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो भी जो भी एम्प्लॉयज है उनको किसी पर्टिकुलर एक सुपीरियर से ही या एक ही सुपीरियर अथॉरिटी से ही मिलने चाहिए। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, कमांड जो है हमें जो एम्प्लॉयज है उनको कमांड क्या पर्टिकुलर एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, और वो इसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी वर्क होगा कंप्लीट करने के बाद किसको आंसर करेंगे, और उसी पर्टिकुलर सुपीरियर को ही आंसर करेंगे। वैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है कि जो भी डायरेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर एक सुपीरियर से मिलना चाहिए वर्कर्स को, और बाद में वो वर्क कंप्लीट होने के बाद वो उसी पर्टिकुलर सुपीरियर से कोऑर्डिनेट कर पाए वर्कर। ठीक है, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द टास्क एफर्ट्स कैन बी डन इजीली, इसके थ्रू क्या होता है जो भी हमारा वर्क है टास्क है वो इजीली कंप्लीट हो सकता है, सब और इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दिस इज एट इजी अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो इससे वजह से क्या हो सकता है हमारे जो गोल्स हैं उनको इजी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके ग्रुप को एक सब्सिडियरी ग्रुप एज ए सब्सिडियरी ग्रुप कंसीडर करना चाहिए, और उन्हें
प्रॉपरली जितने भी एम्प्लॉयज है हमारे जो पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं उन्हें एक ही मेथड से वर्क करना चाहिए, एक ही इंटरेस्ट से वर्क करना चाहिए। इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जनरल इंटरेस्ट, जो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जो ओनर सोच रहा है कि हमें ये काम इतने टाइम में करना है, ये हमें ये टास्क हमें अचीव करना है, इस ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसको एक जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि हमें अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करना है और हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, रेम्यूनरेशन मींस द रिटर्न अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ऑफ द कंपनी शुड बी सूटेबल आइडियल एंड द वेजेस ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर हमें बताया गया है पहले तो रेम्यूनरेशन क्या होती है, जो भी वर्क या सर्विस हमारे लिए एम्प्लॉयज करते हैं उनके उनके उस वर्क या उस सर्विस के लिए क्या करते हैं, हम उनको जो पे करते हैं उसी को रेम्यूनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है उनकी जो रेम्यूनरेशन, जो भी सैलरी होनी चाहिए वो एक सूटेबल होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। ठीक है, सूटेबल होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, पेमेंट टाइम पे होना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बन जाती है ओनर और एम्प्लॉयज के बीच में, कि जो ओनर है हमारा वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, टाइमली हमें सैलरी दे रहा है, और हमें भी क्या करना चाहिए हमारे ओनर के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, और फिर इसमें एक पॉइंट और आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो वर्कर्स ज्यादा इफिशियंटली काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी मिल रही है उससे थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हमें देयर मस्ट बी क्लियरिटी फॉर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन इन मेक सस्टेनेबल मैनेजमेंट डिसाइड इफ द पावर्स इज नॉट डेलीगेटेड इन द सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फिर हमें सेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया गया, हमें हमारे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए जब भी हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ही सारी पावर्स है, कोई भी डिसीजन लेना होगा वो पर्टिकुलर पर्सन ही लेगा, जो पावर्स है वो डेलीगेटेड नहीं है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में होता है जो पावर्स है वो क्या है, यूनिट के अकॉर्डिंग सब जो भी है, जैसे मैंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हेड्स है उनके पास वो पावर्स है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, if the powers are not delegated centralized to make the best employees then principle centralization should be adopted. Centralization has low success ratio in giant size of units and the centralization decentralization then as per the your side. ठीक, फिर बताया गया है कि जो सेंट्रलाइजेशन है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज का बेस्ट यूज कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ का बेस्ट यूज कर सकते हैं, टाइमली वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन बेस्ड सेंट्रलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकती, हो सकता सेंट्रलाइजेशन का सक्सेस रेशियो बहुत लो है। ठीक है, इसीलिए बड़ी बड़ी जो सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन है वो किसी भी यूनिट की साइज पे या उस यूनिट की साइज के अकॉर्डिंग ही हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें सेंट्रलाइजेशन मेथड अडॉप्ट करना है, डिसेंट्रलाइजेशन मेथड अडॉप्ट करना है। फिर स्केलर चेन के बारे में बताया गया, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग चेन फ्रॉम द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। ठीक है, अब स्केलर चेन से आप सिंपल से समझ सकते हैं कि टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक एक लिंक होना चाहिए। ठीक है, कि जो बॉटम लेवल की इंफॉर्मेशन है टॉप लेवल तक पहुंचनी है, जो टॉप लेवल जो ओनर डिसीजन ले रहे हो बॉटम लेवल जो वर्कर्स है उनके तक पहुंचना चाहिए, क्या डिसीजन लिया गया है। ठीक है, या बॉटम लेवल पर करंट क्या सिचुएशन, वो कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, हमारे टॉप लेवल तक पहुंचनी चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, स्केलर चेन कहा जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। ठीक है, फिर ऑर्डर, द प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन टू पैरामीटर, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट। ठीक है, जो अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है ऑर्डर, इसको समझने के लिए हमें पहले बताया गया है जो रॉ मटेरियल है, और हमें इसमें दो पैरामीटर्स दिए गए, जो प्रिंसिपल है वो दो मेनली दो पैरामीटर्स के ऊपर बेस होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा है अरेंजमेंट, और दूसरा है सोशल अरेंजमेंट। पहला तो रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना, दूसरा होता है सोशल अरेंजमेंट करना। इच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एप्रोप्रिएट एट इट्स एप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे होना चाहिए और हमें टाइमली मिलना चाहिए।
लाइकवाइज द स्किल्ड एम्प्लॉय शुड बी अ प्लेस एट राइट प्लेस, अब जो कि सेम उसी तरह ठीक है। अब आप समझ सकते हैं जैसे हमारी शुगर इंडस्ट्री है, हम क्या करते हैं चीनी बनाते हैं, तो हम अब हमें चाहिए शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल ठीक है, अब उसकी जगह पोटैटो का यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, बस वैसे ही बताया गया कि हमें रॉ मटेरियल टाइमली मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेस पे मिलना चाहिए, उसकी हेल्प से वर्क करना चाहिए। उसी तरह जो स्किल्ड वर्कर्स है हमारी कंपनी के, उनको एक राइट प्लेस पे रखना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर कहते हैं ठीक है, वर्क ऑर्डर या कह सकते हैं आप रॉ मटेरियल का ऑर्डर। उसके बाद इक्वालिटी ठीक है, जितने भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज है वर्क करते हैं क्या सब ह्यूमन बीइंग्स है, सबकी कुछ फीलिंग्स होती है ठीक है, सब सबकी कुछ सेल्फ सबकी इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमें क्या करना चाहिए वर्क प्लेस पे सभी एम्प्लॉयज के साथ इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए। सुपीरियर जो है हमारा, उसको जो भी कंपनी में सुपीरियर है उसको एक अप्रोप्रिएटली बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को कुछ भी बोल दें ठीक है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ठीक है, तो हमें सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए, इक्वलिटी से बिहेव करना चाहिए ठीक है। और द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इज बेस्ड ऑन द फेथफुलनेस एटीट्यूड इनफॉर्मिटी एंड जस्टिस ठीक है। और फिर हमें लास्ट में बताया गया जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर होता है वो फेथफुलनेस के ऊपर डिपेंड करता है, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं, परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉयज आर एसेट ऑफ द बिजनेस, कोई भी हमारी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है बहुत दिनों से काम कर रहा है तो उसको हम एक बिजनेस के एसेट का कंसिडर कर सकते हैं ठीक है। एन एम्प्लॉय कैन डेवलप हिमसेल्फ रिमेनिंग ऑन यूर कंट्रीब्यूटिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द बिजनेस ठीक है। और जो एम्प्लॉय है वो काफी समय से हमारे साथ हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो वो एक हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी कंपनी के डेवलपमेंट में वो भी क्या बन रहा है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी कंपनी की जो भी अचीवमेंट्स है गोल्स अचीव हो रहे हैं उसमें भी उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम ऐसा कह सकते हैं ठीक है। एज ए एम्प्लॉय रिमेंस अ लॉन्ग टाइम एनी यूनिट इन नॉलेज ऑफ सिस्टम रिजल्ट मोर प्रोडक्टिविटी, अगर पहले इसमें सिंपल सा बताया गया आप ये समझ सकते हैं कि जो लेबर टर्नओवर रेट है उसको रिड्यूस करना ठीक है, इसी का उल्टा दिया गया उसी को थोड़ा अलग टाइप से बताया गया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, जो भी हमारी कंपनी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली लंबे समय के लिए वर्क करने चाहिए, ऐसा नहीं है एम्प्लॉय आया 6 मंथ वर्क किया उसके बाद फिर से छोड़ के चला गया, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो लेबर टर्नओवर रेट है उसको डिक्रीज करना चाहिए ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय काफी समय से हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है तो कंपनी के बारे में हर चीज समझ जाता है, अपने वर्क को अच्छे से समझ लेता है उसको क्या वर्क करना है कैसे करना है ठीक है, तो हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है। इनिशिएटिव As a quality of entrepreneurship necessary industries, then the same way there should be a quality of initiation of investors should provide such a atmosphere that initiative may be encouraged. ठीक है, अब जैसे कोई कंपनी वर्क कर रही है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको एक ऐसा एटमोस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए, इंकरेज किया जा सके ड्यू टू इनिशिएटिव स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एम्प्लॉयज डेवलप द इंक्रीज एंड लीडरशिप क्वालिटी, अगर जो इनिशिएटिव है हमारी कंपनी का जो इनिशिएटिव है उसको इंकरेज किया जाता है, वर्कर्स को जो इनिशिएटिव उसको इंकरेज किया जाता है तो क्या होता है हमारी कंपनी में जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती चली जाती है, स्प्रेड द फीलिंग ऑफ ओनेस, जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अब ऐसा लगना चाहिए कि जो कंपनी है हमारी हम अपनी कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ ओनेस होनी चाहिए, ओनेस की फीलिंग होनी वननेस की फीलिंग होनी चाहिए ठीक है। ये जो लोग हैं हमारे साथ के वो भी क्या है हम सब एक हैं, हम सब एक ही गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं मैनेजर्स हैं ओनर्स हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए हार्मनी होनी चाहिए ठीक है, ऐसा लगना चाहिए जैसे ओनर तो उसको ये समझना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज है वो भी क्या है हमारे ही लोग ठीक, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ठीक है, यही बताया गया। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो पीटर एफ ड्रकर जी थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था उसके बारे में बताया गया। पीटर एफ ड्रकर 1909 to 2005, तो इसमें पहले तो डेट बताई गई है जो पीटर एफ ड्रकर थे उनकी बर्थ 1909 में हुई और डेथ 2005 में हुई थी, और एक वेल नोन मैनेजरियल लीडर थे, राइटर थे, फिलोसोफर थे और एजुकेटर थे ठीक है। ग्लोबल बिजनेस अरेंजमेंट ग्लोबलाइजेशन
जब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी तो नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट वाज रहा है। जब वर्ल्ड में डेवलप तो जो हमारी कंट्री में जब हमारे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो एक नए मैनेजमेंट की नीड अराइज हुई। ठीक है, तो पीटर ब्रगर जो जीजो थे फेवर द फॉर मोर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट बिजनेस इनमें। उन्होंने क्या फेवर किया था, जो ह्यूमन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट के रूप में उन्होंने बताया, जो ह्यूमन एलिमेंट है हमारी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है एसेट है। पीटर ब्रगर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था किसमें, मैं उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है पीटर ब्रगर ने किस कौन से फील्ड में मतलब क्या इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो आप ये देख लिख सकते हैं मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, और ये कभी कभी 3 मार्क में या 2 मार्क में आपको पूछा जाता है। आप अगर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी होगा ही होगा। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशंस आर द मेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, दे सेज दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ एम मैनेजर्स अचीवमेंट ऑफ द एम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टू मच इफेक्टिव फॉर द डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेटेड यूनिट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए एम्प्लॉयज और इसके बीच में मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इसको मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव और सेल्फ रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रेगुलेशन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पीटर ड्रकर जी को कहा जाता है। और उन्हें और भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे जैसे एचआरएम के फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी उन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। फाइव मार्क हाँ ये ठीक है आप देख सकते हैं। तो आप इसमें टिक कर लीजिए जो जो बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट हुए मैं वो टिक कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स टिक कर लीजिए, एक ये इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न थॉट ये भी पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद फाइव मार्कर में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर्स पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं बस। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।